आपकी लड़की पढ़ने में बहुत ही कमजोर है। और लिखने में? जेनी, तुम्हारा पढ़ाई के तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं, दिन भर खेलती रहती हो और टाइम पास करती रहती हो। लेकिन भाई आप विराट कोहली और रोहित शर्मा तो हमेशा खेलते रहते हैं, उनको तो कोई पढ़ने को नहीं बोलता है। जेनी ऐसा नहीं कहते, उन्होंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब खेल को ही अपना प्रोफेशन बनाया। भैया पता नहीं क्यों मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ आप कुछ भी लगाते हो मैं भूल जाती हूँ। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता, बताओ स्नैक्स करेंगे सबका स्वागत कौन सी फिल्म का गाना है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उस फिल्म का नाम है टाइगर किंग है, उसके उसका हीरो है सलमान खान। पिक्चर के नाम तो बड़े याद है, क्योंकि पढ़ाई को छोड़ के तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन उस पे है। जिस चीज पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो हमको लर्न हो जाती है। अगर तुम पढ़ाई को भी पे भी काफी कॉन्सेंट्रेट करोगी वो भी तुमको लर्न हो जाएगी। अगर हम पढ़ाई को भी ध्यान से करते हैं तो वो भी हमें कभी नहीं भूलता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चीकू, वेलकम टू माई चैनल चीकूपीडिया। आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टूल का यूज करना पड़ता है जो है परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ पार्ट ऑफ 100 वी यूज द वर्ड परसेंट। परसेंट मींस पर 100। तो आज हम देखेंगे तीन चीज परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दूसरी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और तीसरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हम परसेंट को शो कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सिंबल होता है, तो वो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल। तो जैसे हमें लिखना है x परसेंट, तो हम इसे लिखेंगे x बाय 100। फिर हमें जैसे लिखना है 2%, तो हम लिखेंगे 2 बाय 100। तो यानी अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें बस उसे 100 से मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई कर देना है। तो पहला मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वो है 1/2, 3/4 और 9/50। तो हम पहले 1/2 से चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हमें 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर परसेंट का साइन लगाना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट। फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 कट गया, फिर 250 100, तो ये आया 50। तो हमारा आंसर है 50%। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 3/4। तब 3/4 को कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम लेट्स स्टार्ट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 1 4 और 425%, 425 100। तो अब 3 और 25 बचे, 3 25 into 3 = 75%, आंसर आ गया। फिर है 9/50, तो 9/50 into 100। भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, 52 100। अब 9 2 18, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरी मेथड की ओर। अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को कैसे हटाएंगे? हमें इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हमें नंबर को परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देना। तो जैसे हमारी पिछली मेथड में से हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था और सिंप्लीफाई करना था, पर इसमें हमें डिवाइड करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, 25% और 75%। तो चालू करते हैं, तो हम पहले 25% को 25/100 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दो जीरो हैं इक्वल्स टू 0.25 है हमारा आंसर। तो 75%, तो 75/100 इक्वल्स टू 0.75। मजेदार बात यह है, सपोज हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो
तो हम 25 यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 1 25 और 25 4 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4। फिर जो हमारा 75/100 है तो उसको हम 25 से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 3 75 और 25 4 100, हमारा फ्रैक्शन वाला आंसर है 3/4। आई होप आपको ये फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसकी मेथड्स अच्छी लगी होगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल चिकूपीडिया।